मध्य प्रदेश में रीवा में जल थल और वायु मार्ग से नशे का अवैध कारोबार हो रहा है। कारोबारियों ने नदी और घरों के अंदर जमीन में शराब के टैंक गाड़ रखे हैं। प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप या फ्लाइट से आती है। फिल्म उड़ता पंजाब की कहानी विद्युत क्षेत्र के रीवा जिले की हकीकत बनती जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर 8 अक्टूबर से रीवा पुलिस ने जिले भर में सर्च अभियान चलाया है। इस अभियान में पुलिस को बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ मिले हैं। पिछले 6 दिन के अंदर 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें जल थल और वायु मार्ग से नशीले पदार्थ का कारोबार होना पकड़ा गया। 11 अक्टूबर को मऊगंज थाना अंतर्गत पहाड़ी गांव में पुलिस टीम ने दबिश दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में शराब का अवैध कारोबार लंबे समय से चल रहा था, लेकिन पुलिस ने दबिश दी तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। पुलिस ने शराब के ठिकानों की जानकारी जुटाने के लिए मुखबिर की मदद ली। इसके बाद गाँव के कुछ घरों में घुसकर पुलिस ने खुदाई शुरू की। संदिग्ध स्थानों की खुदाई करने पर शराब के ड्रम निकलने लगे। पूरी कार्रवाई में 405 लीटर देशी शराब जब्त की गई। मऊगंज के पहाड़ी गांव के एक घर में जमीन खोदने पर पुलिस को शराब से भरी ड्रम मिली। पुलिस ने इस गांव के 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 11 अक्टूबर की सुबह 10 बजे लोहे स्थित SPR कार्गो कोरियर सर्विस में कोतवाली पुलिस ने दबिश दी। तलाशी में रविंद्र कृष्ण यादव के नाम पर पार्सल किए गए 40 कार्टून मिले। ये कार्टून दिल्ली के द्वारका से भेजे गए थे। एक पेटी से 100 ml की 120 शीशी कुल 44 पेटी से 4800 शीशी कप सिरप बरामद हुई है। रशीद कृष्ण मेडिकल स्टोर ट्रिपल चौराहा गोविंदगढ़ के ऑर्डर पर आई थी या पार्सल हवाई मार्ग से भेजा गया। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोरेक्स की खेप बनारस और फिर वहां से सड़क मार्ग से रीवा तक पहुंचाई गई है।